भैया 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 हे भाई लक्ष्मण, हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो है, किस कारण हो अकुल आए तुम, चुप कैसे हो बोलो तो लो, क्यों हो इतने घबराए तुम। हे भाई क्या हुआ बताओ तो, क्यों इतने उतावले आए, किस कारण अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए। हे भैया जी सुनते ही श्री मुक्ति पुकार, चौकी फिर घबराई माता, आदिर वैराग्य होकर अकुलाई फिर घबराई माता। हे भैया जी इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा सिर धारण है, इसमें उनका भी कोई दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। क्या कहा मेरी आवाज? हाँ भैया जी बिल्कुल आपकी आवाज थी। मारीच बना था माया मर्ग, वह गहरी चाल उसी की है, मरते मरते मेरे स्वर में आवाज विशाल उसी की है। इसलिए सोच रहा हूँ मैं कुछ तो बीती आश्रम में, कहता है मेरा वाम नेत्र अब नहीं जानकी आश्रम में। लक्ष्मण फिर भी तुमने जानबूझकर धोखा खाया है, क्या तुम ये नहीं जानते कि राक्षसों का देश है? हे भैया जी मुझे क्षमा कीजिए, माता जी की आज्ञा मुझे सौदार्य करनी पड़ी, और क्षमा कीजिए मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। ठीक कहते हो लक्ष्मण, कर्म की गति को कोई टाल नहीं सकता, चलो चलकर देखते हैं क्या बात है। ठीक है भैया। हाँ जी भैया। हाँ क्रोधवान दव राम ने लीन तिरथ बैठा, चला गगन पत अतुर भय रत हाँक न जाए। देखो लक्ष्मण सीता तो नहीं है, तुमने उन्हें छोड़ा था? हे भैया जी मैंने तो उन्हें इसी पाषाण शिला पे बिठाया था, परंतु यहाँ तो नहीं है। भैया आपका कहना बिल्कुल सत्य हुआ, भैया राक्षसों ने अपना माया जाल दिखा ही दिया। मैं तो पहले ही जानता था कि राक्षस बड़े कपटी होते हैं, कुछ ना कुछ उपद्रव मचा ही देते हैं। आहा सीता प्यारी तुमको कहाँ ढूंढू, जल्दी आओ इस अभागे राम को और अधिक न कल पाओ। अब सहा जाता नहीं आंखों से छिप जाना तेरा, कैसे देखूं प्यारी तेरा शर्माना तेरा। छोड़ कर महलों को यू वनवास में आना तेरा, और फिर रूठ कर मुझसे यू चला जाना तेरा। क्या डर गई क्या संकटों के भार से, या हुआ अपराध कोई इस भागे राम से। हाय विधाता। हे भैया जी अब हम इस महान दुख से कैसे निकलेंगे? हम ही नहीं लक्ष्मण, जानकी के वियोग में पंचवटी भी कैसे उदास रही है, मानो कली कली अपने प्राण खो रही है। भैया प्यारे लखन मेरा उजड़ा चमन, भैया प्यारे किसे सिकवा कर गम के मार।
प्यारे लखन मेरा उजड़ा चनन भैया प्यारे किसे सिखवा कर दम के बारे भैया धीरा करो भैया अंग पाया मेरा थरथरा चैन है नहीं दिल को आए भैया धीरज धरो भैया धीरज धरो भैया अंग पाया मेरा थरथरा भैया जिस जगह से हटने का मन भी नहीं करता था वही जगह अब टसने को आती है। हाँ देखो तो यह वृक्ष भूत बनकर मुझे डराते हैं और वनों के पक्षी मेरी हंसी उड़ाते हैं, मरग और सियार मेरे रोने पर हंसते हैं। क्या मैं पागल हो गया हूँ? नहीं, मैं तो होश में हूँ। फिर ये दिशाएं मेरी सूरत देखकर क्यों भागी जा रही है?
और ये वृक्षों की टहनिया मुझे देखकर सर हिला रही है। नहीं भैया, वियोग की दिशा दशा में ऐसा ही होता है। रोने वाले के साथ भला कौन रोता है। हाय वन में बिछो करके भैया धीरे करो भैया। हेलो हेलो, कोई तो रास्ता होगा भैया। पते तुम्हारा सुखी को पिला पर बिना हाय देखी हाय देखी कहीं से सुने निकले हो, इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो। ईश्वर ने अवश्य ही इस महान दुख से निकलने का रास्ता अवश्य ही बनाया होगा भैया। धीरज धरे भैया, थोड़ा धीरज धरे। हाँ भाई, अब चलो यहाँ, अब जी कहाँ लगेगा। जानकी के वियोग में सारा संसार ही खाली हो गया। पंचवटी कैसे उदास हो रही है, कली कली मानो अपने प्राण खो रही है। भगवान